काम करने वाली बहुत सारी एक्ट्रेसेस आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी डिवोर्स का दर्द नहीं झेला है, जिसका सबसे बड़ा रीजन उनका रिश्ता अपने पतियों के साथ शुरू से ही बहुत अच्छा रहना है। इसीलिए तो आज वो अपने जीवन साथी के साथ जीना मरना पसंद कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि टीवी की इन्हीं एक्ट्रेसेस में से कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जो डिवोर्स का दर्द झेल चुकी हैं, क्योंकि उन्हें उनके जीवन साथी हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। इसीलिए आज उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो आखिरकार कौन कौन सी है वो एक्ट्रेसेस, आइए मिलते हैं उनसे। नंबर एक पर है वाहबीज दोराब जी। साल 2013 में लव मैरिज करके शादी के पवित्र बंधन में बंधी वाहबीज दोराब जी यूं तो अपने पति विवियन डिसेना से साल 2017 में ही अलग हो गई थी, लेकिन अभी एक महीने पहले ही इनका डिवोर्स पक्का हुआ है। इसीलिए पति से तकरीबन 3 साल दूर रहने के बाद इन्हें अकेली रहने की आदत सी हो गई है। नंबर दो पर है चाहत खन्ना। टीवी से लेकर बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली चाहत खन्ना की यूं तो दो शादियां हुई हैं, जहां पहली शादी भारत नरसिंह हानी नाम के बिजनेसमैन से हुई, जिन्हें खोने के बाद इन्होंने साल 2013 में फरहान मिर्जा से दूसरी शादी की थी, लेकिन उनसे भी रिश्ता अच्छा ना चलने के कारण ये दो बार डिवोर्स लेने का दर्द झेल चुकी है। नंबर तीन पर है मानसी सालवी। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस मानसी सालवी काफी बेहतरीन अदाकारा है, जिनकी शादी साल 2005 में टेलीविजन डायरेक्टर हेमंत प्रभु से हुई थी और उनसे इन्हें एक बच्चा भी था, पर रिश्तों में कड़वाहट आने के कारण ये साल 2016 में उनसे डिवोर्स लेकर हमेशा के लिए दूर हो गईं। इसीलिए अब इनका अपने एक्स पति से कोई लेना देना नहीं है। नंबर चार पर है मेघा गुप्ता। अपने हॉरर टीवी सीरियल से मशहूर हुई एक्ट्रेस मेघा गुप्ता बॉलीवुड का भी जाना माना नाम है, जो दो बार डिवोर्स का दर्द झेल चुकी है। जी हाँ, इन्होंने अपने पहले एक्स हस्बैंड आदित्य श्रॉफ से पहली शादी करके अपनी शादीशुदा जिंदगी में धोखा पाया। उसके बाद ये अपने दूसरे पति एक्टर सिद्धार्थ कार्निक के शारीरिक शोषण का शिकार हुई, पर अब दोनों से ही छुटकारा पाकर ये अपनी सिंगल लाइफ फ्रीडम जीना पसंद कर रही हैं। नंबर पाँच पर है मुस्कान मेहानी। टीवी के ज्यादातर सीरियल्स में अपने हसमुख अंदाज से सभी को खुश करने वाली मुस्कान मेहानी की शादी साल 2013 में व्यापारी तुषार शोभानी से हुई थी, मगर अभी तक इनका डिवोर्स नहीं हुआ है। पर खबरों के मुताबिक इनके बीच किसी बात को लेकर अनबन होती रहती है, तो हो सकता है कि ये बाकी एक्टर्स की तरह डिवोर्स का दर्द झेले। नंबर छह पर है रुचा गुजराती। अपने हॉरर सीरियल से लेकर काल्पनिक सीरियल में काम करके टीवी का जाना माना नाम बनी रुचा गुजराती की एक नहीं बल्कि दो शादियां हुई हैं। जी हाँ, इनकी पहली शादी बिजनेसमैन मितुल सांगवी से हुई थी, पर दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला, जिसके बाद इनकी जिंदगी में बिजनेसमैन विशाल जायसवाल आए, जो इन्हें इनके पहले पति से भी ज्यादा खुश रखते हैं। नंबर सात पर है डिंपल गांगुली। स्वयंवर सीरियल में इंडियन एंटरटेनर राहुल महाजन से डिंपल गांगुली ने साल 2010 में शादी की थी और शादी के 5 साल बाद ही ये दोनों अलग हो गए थे, जिसके बाद डिंपल की जिंदगी में बिजनेसमैन रोहित रॉय ने पनाह ली, जिसके साथ आज डिंपल अपनी दूसरी शादी जिनके साथ आज डिंपल अपनी दूसरी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल तरीके से बिता रही हैं। नंबर आठ पर है स्नेहा वाघ। साल 2009 में आया सीरियल ज्योति से ज्योति की भूमिका में स्नेहा वाघ ने 4 चांद लगाए थे, पर आपको बता दें कि इनकी गुपचुप शादी साल 2015 में अनुराग सोलंकी से हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही अपने पति के अत्याचारों के बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से उनसे डिवोर्स लेकर अलग हो गई थी। नंबर 9 पर है श्रद्धा निगम। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम वही एक्ट्रेस हैं जो अभिनेता करण सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ थी, जिनसे इनकी शादी साल 2008 में हुई थी, पर पति के बाहरी संबंधों की वजह से ये साल 2009 में ही उनसे डिवोर्स लेकर अलग हो गई थी। नंबर 10 पर है दलनाज ईरानी। टीवी के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपनी खास पहचान बना चुकी दलनाज ईरानी ने टीवी एक्टर राजवीर पॉल से साल 1998 में 7 फेरे लिए थे, पर शादी के 14 साल बाद दोनों के बीच खटपट होने के कारण ये उनसे साल 2012 में डिवोर्स लेकर दर्दनाक मुसीबतों का शिकार हुई थी। नंबर 11 पर है सारा खान। बिग बॉस 4 के घर में साल 2010 में अभिनेता अली मर्चेंट से गुपचुप शादी करके सारा ने एक इतिहास रचा था, जहां दोनों के बीच बेइंतहा प्यार और बढ़ती नजदीकियां हमें बखूबी देखने को मिली थी। बावजूद इसके इनकी शादी 1 साल भी नहीं चली और दोनों साल 2011 में ही डिवोर्स लेकर हमेशा के लिए बिछड़ गए। नंबर 12 पर है संगीता चौहान।
एक श्रृंगार स्वाभिमान फेम एक्ट्रेस संगीता चौहान ने पिछले साल ही यानी कि साल 2020 में एक्टर मनीष राय सिंघानिया की दुल्हनिया बनकर उनसे अपना रिश्ता जोड़ा था, मगर अभी इनका डिवोर्स तो नहीं हुआ है, लेकिन खबरों के मुताबिक आज ये दोनों अपने नाकामयाब रिश्ते को लेकर अलग हो चुके हैं। नंबर 13 पर है श्वेता तिवारी। एक्टर अभिनव कोहली के साथ अपनी दूसरी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल तरीके से बिता रही श्वेता तिवारी भी डिवोर्स का दर्द झेल चुकी हैं। जी हां, अभिनव से पहले इनकी शादी एक्टर राजा चौधरी से हुई थी, मगर वो इन्हें धोखा देकर किसी और के हो गए, जिसके चलते इन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। नंबर 14 पर है दीपशिखा नागपाल। इन दिनों रंजो की बिटिया सीरियल में नेगेटिव भूमिका अदा कर रही दीपशिखा नागपाल बॉलीवुड की भी चमचमाता चेहरा है, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दो बार तलाकशुदा हुई हैं। जी हाँ, जहाँ इन्होंने अपने पहले पति एक्टर जीत उपेंद्र से प्यार में धोखा पाया था, वहीं इनके दूसरे पति एक्टर कैशव अरोरा ने इन्हें शादी के बाद कभी नहीं अपनाया, जिसके चलते ये अपनी जिंदगी में अकेली ही रह गयी। नंबर 15 पर है संजीदा शेख। टीवी के सबसे हैंडसम एक्टर आमिर अली की धर्मपत्नी बनी संजीदा शेख आजकल अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने हाल ही में शादी के 9 साल बाद आमिर अली को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। नंबर 16 पर है रश्मि देसाई। साल 2008 में आया सीरियल उतरन से रश्मि देसाई अभिनेता नंदीश सिंह सिद्धू के करीब आ गई थी, और साल 2012 में ये उनसे शादी करके उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी, लेकिन इनकी शादी को 4 साल भी नहीं टिका, क्योंकि इनके प्यार भरे रिश्ते के बीच खटास पैदा हो गई थी, इसीलिए दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। नंबर 17 पर है काम्या पंजाबी। शक्ति अस्तित्व के एहसास की सीरियल में प्रीतो का खूबसूरत किरदार निभाकर काम्या पंजाबी ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है, पर आपको बता दें कि ये भी डिवोर्स का दर्द झेल चुकी हैं। जी हाँ, इनकी शादी बिजनेसमैन बंटी नेगी से साल 2013 में हुई थी, पर एक बच्चा होने के बाद इनके प्यार भरे रिश्ते में ऐसी दरार आई कि ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए। नंबर 18 पर है जेनिफर विंगेट। टीवी की एटीट्यूड गर्ल के नाम से मशहूर जेनिफर विंगेट एक्टर करण सिंह ग्रोवर की तीसरी पत्नी थी, जिन्होंने एक दूसरे से साल 2012 में लव मैरिज की थी, पर करण पर आंख बंद करके भरोसा करने वाली इस एक्ट्रेस ने उन्हीं से प्यार में धोखा खाया, जिसके चलते ये साल 2014 में ही उनसे बिछड़ गईं, और आज ये अकेले जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 19 पर है दीपिका कक्कड़। ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ससुराल सिमर का फेम एक्ट्रेस दीपिका ने अपने को एक्टर शोएब इब्राहिम से लव मैरिज करके दूसरी शादी की है, लेकिन इनके जो पहले पति रौनक मेहता थे, उन्होंने इन्हें सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी रुलाया ही था, जिसके बाद ये उनसे डिवोर्स लेकर अलग हो गई थी, मगर अब शोएब इब्राहिम इन्हें इतना खुश रख रहे हैं कि ये उनके साथ आज हैप्पी मैरिज लाइफ स्पेंड कर रही हैं। नंबर 20 पर है दलजीत कौर। रंगरसिया और सावधान इंडिया जैसे सीरियलों में काम करके अपने फैंस का दिल जीतने वाली दलजीत कौर के पति शालीन भनोट थे, जिनसे इनकी शादी साल 2009 में हुई थी, लेकिन उनके शारीरिक शोषण के कारण ये उनके साथ अपना रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला पाई। वेल दोस्तों, आपको इन एक्ट्रेसेस में से किसके डिवोर्स के बारे में पहले से पता था? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही जोरदार खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।